हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू दिस यूट्यूब चैनल इग्नू गाइड। आई होप आप सब ने इग्नू गाइड को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दिया होगा, क्योंकि इग्नू गाइड पे आपको मिल जाती है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग अबाउट असाइनमेंट और जो भी स्टूडेंट्स के काफ़ी क्वेरीज होती हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले आइए हम स्टार्ट करते हैं कि इग्नू में अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने तो किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। गाइस, सबसे पहले जो इग्नू में अगर असाइनमेंट में आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो इग्नू का जो आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के बाद या फिर उसको फ़ोटो स्टेट करवाना, फ़ोटो स्टेट करवा के आपको अपने पास रखना है। तो सबसे पहले आपको फ्रंट पेज की अगर बात करें तो इग्नू का जो फ्रंट पेज है वो आपको देखने को किस तरह का मिल सकता है, तो इग्नू का फ्रंट पेज पे आपको मिल सकता है एनरोलमेंट नंबर, नेम, एड्रेस, ठीक है, जो आपका प्रोग्राम है, प्रोग्राम का टाइटल, कोर्स टाइटल, कोर्स कोड एंड असाइनमेंट नंबर। असाइनमेंट के ऊपर साइड पे एक असाइनमेंट नंबर लिखा होता है, ठीक है, उसी को हम असाइनमेंट नंबर कहते हैं, या फिर असाइनमेंट कोड भी हो सकता है, उसी को हम असाइनमेंट नंबर कहेंगे। आपको अपना स्टडी सेंटर का कोड डालना है, फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी। ऑलराइट गाइज, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इग्नू के फ्रंट पेज पे। ठीक, चलिए गाइज, इग्नू का जो फ्रंट पेज है वो आपको किस तरह का देखने का मिलता है, तो चलिए मैं आपको इग्नू का थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा गाइज, कि इग्नू का आपको फ्रंट पेज जो है मैं आपको अभी निकाल कर बताने वाला हूँ। ठीक, तो गाइस यहाँ पे जो है वो इग्नू का फ्रंट पेज जो है वो मेरे ख्याल में नहीं डाउनलोड हो पाया है, तो अभी मैं आपको इग्नू का जो है फ्रंट पेज आपको बताने जा रहा हूँ कि कहाँ से और कैसे आपको इग्नू का फ्रंट पेज डाउनलोड करना है। ठीक, ऑल राइट गाइस, वीडियो में आप बने रहिए, बने रहने से आपको फ़ायदा होगा गाइस। तो चलिए, इग्नू का फ्रंट पेज चाहिए हमें, इग्नू फ्रंट पेज, इग्नू फ्रंट पेज, इग्नू असाइनमेंट फ्रंट पेज। ऑल राइट गाइज, यहाँ पे मैंने सर्च कर दिया, तो इग्नू का फ्रंट पेज का डिज़ाइन जो है बहुत सारे डिज़ाइन आ चुके हैं। आपको आपको किस तरह का इग्नू का फ्रंट पेज चाहिए तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो गाइज, सबसे पहले आपको क्या करना है, इग्नू का फ्रंट पेज जानने के लिए यहाँ पे आना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा टाइम लग रहा है यार, क्या करें। तो इग्नू का जो फ्रंट पेज है वो आपको देखने को इस तरह का मिलेगा, इनरोलमेंट नंबर, नेम, एड्रेस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, एंड कोर्स टाइटल, कोर्स कोड, असाइनमेंट नंबर, स्टडी सेंटर, फ़ोन नंबर, और ये फिर उसके बाद डेट एंड सिग्नेचर। तो ये आ गया आपका इग्नू का फ्रंट पेज गाइज। अभी मैं आपको और भी कुछ फ्रंट पेज बता रहे हैं जो वाला हूँ, आप कोई भी फ्रंट पेज यहाँ से है वो डाउनलोड करके फिर उसके बाद अपने असाइनमेंट के जो भी है आपका असाइनमेंट का फ्रंट पेज बना सकते हो। ठीक, तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, और इग्नू का फ्रंट पेज फिल कैसे करना है मैं आपको वो भी बताने वाला हूँ अभी, यहाँ पर मैं आपको एक बताता हूँ। ऑल राइट, तो गाइस ये आपको इग्नू का फ्रंट पेज है। ऑल राइट, इनरोलमेंट नंबर X123X4Z, कुछ भी आप अपना इनरोलमेंट नंबर डाल सकते हैं, और यहाँ पर नेम भी इन्होंने दिए हुए हैं, अमित कुमार, एंड एड्रेस गणेश नगर, न्यू दिल्ली चौक। ठीक, तो अपना पिन कोड भी इन्होंने दिया हुआ है इसमें। प्रोग्राम में अगर बात करें तो मास्टर ऑफ़ बिज़नेस का है, MBA का है, ठीक है, मास्टर ऑफ़ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन, एंड कोर्स कोड है यहाँ पे आपको, जो भी आपका कोर्स कोड है, कोर्स कोड आपको डालना है, और कोर्स टाइटल में आपको कोर्स, जिस कोर्स का टाइटल डालना है, ठीक है, उसके बाद असाइनमेंट कोड, उसके बाद आपको स्टडी सेंटर कोड, जैसे मेरा स्टडी सेंटर 1230 है तो मुझे 1230 भरना पड़ेगा, फ़ोन नंबर आपको भरना है, फिर उसके बाद अपना ईमेल नंबर डालना है आपको, एंड गाइस उसके बाद सिग्नेचर पे आपको अपना नाम लिखना है, एंड अदरवाइज सिग्नेचर भी कर सकते हो, और डेट जो है वो आपको यहाँ पर डेट भी आप यहाँ पर भर सकते हो। ऑल राइट गाइज, ये था कुछ इग्नू का स्टडी, अपना क्या बोलते हैं फ्रंट पेज, और इग्नू के फ्रंट पेज को आप डाउनलोड डायरेक्टली गूगल पे जाके आपको फ्रंट पेज सर्च करना है, और फ्रंट पेज सर्च करने के बाद बहुत सारे फ्रंट पेज आपके सामने आ जाएंगे, और कोई भी फ्रंट पेज जो है वो आप अपना डाउनलोड करके प्रिंट निकाल के आप अपने फर्स्ट पेज की तरह उसमें
ज्वाइन कर सकते हो। और गाइस अगर आप इग्नू का फ्रंट पेज अपने घर में बैठकर बनाना चाहते तो आप कोई भी आप A4 साइज शीट लेकर फिर उसके बाद इनरोलमेंट नंबर, नेम, एड्रेस, प्रोग्राम कोड, फिर उस प्रोग्राम टाइटल, फिर उसके बाद कोर्स कोड, कोर्स टाइटल, असाइनमेंट कोड एंड ये जो चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं जैसे स्टडी सेंटर कोड एंड फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, और फिर उसके बाद नीचे डेट एंड सिग्नेचर करके आप जो है वो अपना सेम चीज़ें आप वो जो है वो पेन से लिख सकते हैं। और पेन से लिखने के बाद आगे इस तरह का जो है वो इग्नू पीपल यूनिवर्सिटी पूरा लिखकर तो आप जो है वो इग्नू का फ्रंट पेज घर में बैठ के A4 साइज से शीट से भी बना सकते हो। ऑलराइट गाइस, आई होप फ्रंट पेज के रिलेटेड आपको सारी जो भी है वो इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। एंड अदर्स, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि इग्नू का जो है वो है वो असाइनमेंट जो है वो आपको किस तरह से लिखनी है। ऑलराइट, तो चलिए इग्नू का असाइनमेंट कैसे लिखना है मैं वहाँ पर आपको लेके चलता हूँ गाइज। तो गाइज इग्नू का जो हो है वो असाइनमेंट किस तरह से लिखना है बात उस पर हो रही थी, तो चलिए वहाँ पे पहुँच गए हम। ऑलराइट गाइज, इग्नू जो है वो अपने असाइनमेंट, तो गाइज यहाँ पर मैंने कुछ असाइनमेंट डाउनलोड करके रखे हैं। तो सबसे पहले तो क्या करना है आपको, क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन जो क्वेश्चन ब्लैक पेन यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चन लिखने के लिए, ठीक। क्वेश्चन लिखना है विद, इस तरह से लिखना है कि आप कुछ भी लिखना है तो ठीक इस तरह से लिखना है कि बिल्कुल ईजिली जो है वो एग्जामिनर आप पढ़ पाए, ठीक, जो आप लेकर आए हैं। और जो फिर उसके बाद जो आंसर लिखना है तो फिर उसके बाद आंसर लिखना स्टार्ट करना है आपको ब्लू पेन से। जो हेडिंग है, ठीक है, इंपॉर्टेंट हेडिंग जो है वो आप ब्लैक पेन से लिख सकते हो, कोई बात नहीं है उसमें, और उसको अंडरलाइन भी कर सकते हो, ठीक है। तो अंडरलाइन द इम्पोर्टेंट थिंग्स जो है वो आप अंडरलाइन कर सकते हो, उससे जो है वो आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। एंड जो क्वेश्चन जो आपको पूछा गया उसके रेलिवेंट लिखना है आपको, ना कि इररेलीवेंट लिखना है। कुछ भी लिख दोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, रेलिवेंट लिखना है और टू द पॉइंट आपको लिखना है, ठीक। तो उससे जो क्या है आपको मार्क्स जो है वो अच्छे मिलेंगे। आई होप आपको कुछ समझ आ रहा होगा, ठीक। तो फाइलें आपको किस तरह से, ये आप A4 साइज शीट्स को लेके अपना पूरा असाइनमेंट बनाया, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ऐसे करके जितने भी क्वेश्चंस जो हैं वो आपके आए हैं, तो इस तरह से फिर क्वेश्चंस को लिखकर, ठीक, अपने क्वेश्चंस पूरे लिखकर फिर उसके बाद आप अपनी फाइल्स में इसको जो है वो पेजेस को बाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से भी आप अपनी असाइनमेंट जो है वो भी हैं, जो भी असाइनमेंट्स हैं वो आप सबमिट कर सकते हो। तो गाइस सबसे पहले आपको जो चीज़ों का ध्यान रखना है, वो चीज़ों का ध्यान रखना है, सबसे पहले तो आप जो भी लिख रहे हो आपको एक इस तरह का अंडरलाइन खींचना है। लाइन खींचने के बाद क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है, फिर उसके बाद आपको अपना क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन के बाद आंसर लिखना है। आंसर जो भी लिखना है पूरे ध्यान से लिखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको अंडरलाइन करना होगा, तभी जो है वो आपको अच्छे मार्क्स जो है वो मिल पाएंगे। आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। और वीडियो तो गाइज काफ़ी लंबा हो गया है, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, बट कोई बात नहीं, क्योंकि नॉलेज जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो गाइज सब्सक्राइब करें इग्नू यूट्यूब चैनल को, इग्नू गाइड यूट्यूब चैनल को। आई होप वीडियो का आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।